नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम परमाणु संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं जो 1830 में डाल्टन द्वारा दिया गया था। डाल्टन ने ये बताया कि जो द्रव्य होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कण का बना होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। ये जो परमाणु है अविभाज्य है, ये बातें डाल्टन ने बताई थी। अनुसंधान द्वारा ये निश्चित हो गया कि परमाणु द्रव्य का अंतिम कण नहीं है, मतलब परमाणु को भी और अन्य भागों में विभाजित किया गया है। इसकी भी संरचना है, यानी कि परमाणु के और भी कई प्रकार के अंग हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, परमाणु के कुछ मौलिक कण हैं जिनके हम आवेश की मात्रा, उसमें कितने कूलाम आवेश होते हैं, उसकी संहति यानी द्रव्यमान, और खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके नामकरण भी हम यहाँ देखेंगे। देखिए, व्यापक रूप से या मुख्य रूप से परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनके अलावा भी परमाणु के अंदर अन्य कण होते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसीलिए इसकी इकाई -1, +1 और 0 दे रखी है। इसमें ESU के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मान है वो समान है। इलेक्ट्रॉन का जो मान है माइनस में होता है, और प्रोटॉन का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कि 4.8×10⁻¹⁰ है। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान देखें तो -1.6×10⁻¹⁹। इसी प्रकार जो प्रोटॉन है इसमें ये मान पॉजिटिव हो जाता है, और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसका मान है वो 0 है। EMU के अंदर 1/1837 ये होता है, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1:1 होता है। ग्राम में इसकी संहति या द्रव्यमान देखें तो 9.1×10⁻²⁷। इसी प्रकार जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान देखें तो 1.672×10⁻²। इसी प्रकार जो न्यूट्रॉन है उसकी संहति है 1.674×10⁻²। ये ग्रामों के अंदर इनकी संहति या द्रव्यमान है। इसी प्रकार इनकी जो खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज है जे.जे. थॉमसन ने की थी, ठीक है, और जो प्रोटॉन है उसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज है वो चैडविक ने दी थी। आपको ये ध्यान देना है कि कैथोड जो किरणें होती हैं उनकी सर्वप्रथम खोज विलियम कुकर्स ने की थी, जबकि धन जो किरणें हैं उनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। यानी कि कैथोड जो किरणें हैं उनकी खोज विलियम कुकर्स ने की थी, और जो धनहीन किरणें हैं जिनकी खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो स्टोनी ने किया था, और जो प्रोटॉन है इसका नामकरण जे.जे. थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का EM 1.76×10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है E/E/m, यानी कि इलेक्ट्रॉन बटा इलेक्ट्रॉन बटे m। इनके जो मान रखते हैं, तो इनके सारे जो मान रखे हमने, तो इसका जो द्रव्यमान है वो ग्रामों में इस प्रकार आता है 9.1×10⁻²⁸ ग्राम, जो कि हमने ऊपर भी देखा है। इसके अलावा गतिक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो इस प्रकार है। निम्न व्यंजक की सहायता से गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की गणना की जा सकती है, जो कि m, जो ऊपर डैश लगा हुआ है, बराबर m/1 -v² / c², फिर 1/2 इसकी घात है। जो m1 ऊपर लगा हुआ है वो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, और v इलेक्ट्रॉन का वेग है, और c है जो प्रकाश का वेग है। इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने पर इसका द्रव्यमान भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का आणविक द्रव्यमान है वो हम गणना कर सकते हैं 9.1×10⁻²⁸ × 6.02×10⁻²³। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो 5.48×10⁻⁴ ग्राम मोल प्राप्त होती है। इसी प्रकार परमाणु संहति मात्रक, जिसको हम AMU शॉर्ट में लिखते हैं, C12 परमाणु के भार का 1/12 भाग, अर्थात 1/2×12
अपॉन 6.02 इंटू 10^74। इसको हल करेंगे तो 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम। इसके बाद में आता है नाभिक। तो परमाणु का जो मध्य भाग है जिसको हम नाभिक कहते हैं। परमाणु की सैंति यानी कि परमाणु का द्रव्यमान धनावेश उसके अंदर अत्यंत सूक्ष्म केंद्रित भाग में होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ये बात 1911 में रदरफोर्ड ने बताई थी, आपको याद होगा रदरफोर्ड ने श्रवण पत्र जो प्रयोग था वो किया था। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाते हैं जिस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग है वो खाली होता है। परमाणु का जो नाभिक है उसका आकार 10^-13 सेंटीमीटर से 10^-12 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है। परमाणु का जो आकार है वो होता है 10^-8 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है परमाणु का। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या है उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या मूल के समानुपाती होती है, यानी कि r बराबर r0 a की बाई 1^3, जहाँ पर r है नाभिक त्रिज्या, r0 है वो स्थिरांक है जिसका मान 1.33 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर होता है। ए है यहाँ न्यूक्लियॉनों की संख्या है। फिर उसके बाद में नाभिक का घनत्व है। देख उदाहरण जैसे यहाँ पर F है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में इसका परमाणु क्रमांक 9 है और इसका द्रव्यमान संख्या है वो 19 है। इसकी जो त्रिज्या है 5 × 10^-13 सेंटीमीटर है। परमाणु जो F है उसका भार है वो इस प्रकार निकालेंगे 19/6.02 × 10^23। ये जो है अवोगाड्रो संख्या है, इसको हम हल करेंगे तो 3.15466 × 10^-23 ग्राम होगा। यही जो फ्लोरीन है उसका नाभिक का द्रव्यमान है। नाभिक के परमाणु का जो आयतन है वो निकालेंगे, क्योंकि जो परमाणु होता है गोलाकार होता है और गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। इस तरीके से यहाँ पर 4/3 × π का मान 22/7 × ये इसकी त्रिज्या है जिसको हमने क्यूब लगाया है। इसको अगर हम हल करेंगे तो नाभिक का आयतन आ जाएगा। इसी प्रकार जो फ्लोरीन है इसका घनत्व निकालेंगे तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान ये होता है और आयतन ये होता है। इसको हल करेंगे तो 6.027 × 10^13 ग्राम प्रति घन सेमी आ जाएगा। इसके बाद में एक संख्या आती है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या है उसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये बातें मोजले ने बताई थी। परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण में तत्वों को क्रमिक रूप से क्रमिक संख्या भी है, यानी कि परमाणु क्रमांक है आवर्त सारणी के अंदर हम जो तत्वों को वर्गीकृत करते हैं तो उसमें क्रम से इसको लिखा गया है। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, यानी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसको जोड़कर हम परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं। किसी समस्थानिक के परमाणु भार के निकटतम पूर्णांक को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या को हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो परमाणु क्रमांक है उसको जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इसका पक्षांतर करके न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या जाएगा, द्रव्यमान संख्या होती है उसमें प्रोटॉन की संख्या को निकाल देंगे। प्रोटॉनों की संख्या और जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर होता है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तत्व को हम इस प्रकार निरूपित करते हैं, जो एक्स है इसके ऊपर ए और नीचे जेड लिखा है। जेड है ये परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है और ए है इसका द्रव्यमान होता है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को इस तरीके से लिख रहे हैं तो जो 9 है ये इसका परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक है, और जो 19 है इसका परमाणु द्रव्यमान है।